हेलो एवरीवन, आई एम निखिल पांडे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 4 समझा था, जिसमें हमने सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। आई होप वो सेशन आपको समझ आया हो और आपको मज़ा भी आया हो। आज के सेशन में हम वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ी सी और एडवांस सीरीज होने वाली है आपकी एंड आज हम इसको कंप्लीट भी करने वाले हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो एच नंबर सीरीज 4। नाउ 10, 5, 15, 10, 20, 15, 25, 20 इस तरीके से दिया हुआ। इसमें दो लॉजिक लगते हैं, एक तो प्लस माइनस वाला। आपने 10 में क्या किया? माइनस 5 किया तो आपको मिला 5। देन आपने क्या कर दिया? प्लस 10 कर दिया तो आपको मिल गया 15। देन अगेन आप क्या करेंगे? माइनस 5, देन प्लस 10। इस तरीके से ये लॉजिक आपके पास है, इसको लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बट मैं ये लॉजिक नहीं लगाऊंगा, मैं अल्टरनेट पे लॉजिक लगाऊंगा। देखिएगा, 10 प्लस 5 क्या हो गया? 15। देन 15 प्लस 5 क्या हो गया? 20। देन 20 प्लस 5 क्या हो गया? 25। देन 25 प्लस 5 क्या हो गया? 30। एंड 30 प्लस 5 क्या, सॉरी यहाँ पे तो अल्टरनेट पे अब कोई नंबर ही नहीं है, एक ही चाहिए था। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया फर्स्ट आंसर? 25 प्लस 5 30। नाउ एक आंसर आपको मिल गया। ठीक है, एक सीरीज और चल रही है अल्टरनेट पे, तो उसे भी देख लेते। आपका फर्स्ट आंसर मैं साइड में लिख देता हूँ। क्या मिल गया मुझे फर्स्ट आंसर? 30। नाउ नेक्स्ट, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20 एंड 20 प्लस 5 क्या मिला मुझे? 25। तो ये मेरा सेकेंड आंसर। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के आंसर निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ आपको फर्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, देन दिया हुआ है 99, 97, देन 94, 90, 85, 79, 72, 64 डैश बॉक्स। चलिए फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स दिया है तो हमको लॉजिक कहाँ से लगाना पड़ेगा? सेकेंड से। ओके, तो 99 में से माइनस 2 करोगे तो क्या मिला आपको? 97। 97 में से माइनस 3 करोगे तो क्या मिला होगा आपको? 94। फिर 94 में से आपने क्या माइनस किया होगा? माइनस 4 किया होगा तो आपको 90 मिला। फिर 90 से मैंने क्या किया होगा? माइनस 5 किया होगा। देन यहाँ पे मैंने क्या किया होगा? माइनस 6 किया होगा। देन मैंने क्या किया होगा? माइनस 7 किया होगा। देन मैंने क्या किया होगा बताइए? माइनस 8 किया होगा। देन मैं लास्ट में क्या करूँगा? माइनस 9 करूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? 55। क्या मिलेगा मुझे? 55। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा? माइनस 1। तो मेरे को क्या मिलना चाहिए था? अब माइनस 1 करूँगा पर मैं पीछे से आगे जा रहा हूँ तो क्या कर लूँगा? प्लस 1 कर लेता हूँ। तो मैं 100 माइनस 1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 99। है ना, तो मेरे आंसर क्या होंगे? 100 एंड 55। इस तरीके से आप लॉजिक को लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट बॉक्स का आंसर है 100 और लास्ट बॉक्स का आंसर है 55। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 8 प्लस 3 हो रहा है यहाँ पे, प्लस 3 कितना हो गया? 11। देन 11 प्लस 4, ये क्वेश्चन नंबर 7th है ना, बाकी आपके लिए होमवर्क है। देन प्लस 5 है ना, क्या हुआ? प्लस 5। देन यहाँ पे प्लस 6 हुआ, देन यहाँ प्लस 7 हुआ, देन प्लस 8 हुआ, देन प्लस 9 हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस 10। तो मुझे क्या मिलेगा लास्ट बॉक्स में? 60। अब यहाँ प्लस 3 हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? प्लस 2 हुआ होगा, तो 6 प्लस 2 8 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। तो फर्स्ट बॉक्स में आएगा 6 एंड लास्ट बॉक्स में आएगा 60। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ CC7, DD6, EE5, FF4। नाउ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है आपको। कैसी दी हुई है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और अब न्यूमेरिकल नंबर्स भी होंगे। ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन वाली जो सीरीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो समझते हैं, आपको दिया है CC DD EE FF। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कंटिन्यू में चल रही सी। देखिए, सी के बाद डी आता, डी के बाद ई आता, फिर एफ आता है, तो एफ के बाद क्या आएगा? जी। वो भी कितने बार आएगा? 2, क्योंकि 2 बार लिखा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट आप नंबर्स को चेक करेंगे। 7 के बाद क्या हो रहा है? माइनस 1 6, फिर माइनस 1 5, देन माइनस 1 4, तो इससे भी माइनस 1 होगा तो क्या होगा? 3। तो आंसर क्या होगा? GG3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AZ8
बी वाई सेवन। अब इस पे अगर लॉजिक ढूंढोगे आप तो ए जेड ऐसा मिलता है, फिर बी वाई मिलता है, इस तरीके से भी आप लॉजिक ढूंढ सकते हो। बट मैं आपको दूसरा लॉजिक बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा अल्टरनेट पे सीट चल रही है, ए बी सी डी अलग सीट चल रही है, अल्फ़ाबेट की दो सीट आपको अलग अलग देखने मिलेगी। पहली सीट दिख रही है ए बी सी डी, तो डी के बाद क्या आना चाहिए बताइए, ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। नाउ जेड के बाद क्या दिया है यहाँ पे, वाई। तो Z के बाद दिया है Y, Y के बाद क्या दिया है X, और X के बाद दिया है W, W के बाद क्या आना चाहिए V, तो हमारा क्या आएगा V। नौ नंबर्स देखते हैं, सब माइनस वन हो रहे हैं, तो 8 में से माइनस वन हुआ तो 7, 7 में माइनस वन हुआ तो 6, 6 में माइनस वन हुआ तो 5, तो 5 में माइनस वन होगा तो क्या मिलेगा आपको 4, क्या मिलेगा 4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। देखिए ये ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके आंसर्स निकाल लें। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 सी। यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले ए बी, तो ए बी एक साथ है, देन क्या दिया है सी डी, सी डी भी एक साथ है, देन क्या दिया है ई एफ, तो ई एफ भी साथ में है, एंड द लास्ट वन है जी एच, तो जी एच भी साथ में है। ठीक है, तो जी एच के बाद क्या आना चाहिए एक तरीके से, आई जे, क्योंकि सब कंटिन्यू में आ रहा है, तो क्या आएगा आई जे। नाउ अब देखिएगा 16 के बाद, 16 के बाद 24 हो रहा है, देन 24 के बाद 32, मींस क्या हो रहा है कि 16 प्लस 8 क्या होता है 24, और 24 प्लस 8 क्या होता है 32। एक तरीके से आप बोल सकते हो 8 की टेबल चल रही है। ठीक है, 32 के बाद क्या आता है 40, तो 40 के बाद क्या आना चाहिए 48। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो आई जे 48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब सॉल्व करेंगे जे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 2। जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेफ्ट किए हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको कोई डाउट आती है, क्वेरी आती है, तो एज सच आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा आप मुझे क्वेरीज यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर ही भेजें ताकि मैं उसको ईजिली सॉल्व कर सकूं, मुझे पता चल सके कि हाँ आपकी कोई क्वेरी है। ओके, तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू रिस्पॉन्ड यू। ओके, नाउ ए सी ई देखिएगा, ए सी ई, ई के बाद अल्टरनेट पे क्या आया जी, हम पहले अल्फ़ाबेट चेक कर रहे हैं, जी के बाद अल्टरनेट पे आया, बताइए क्या आया, आई। आई आना चाहिए, गलत दिया, देखिए मिसप्रिंट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या आना चाहिए आई, तो मिसप्रिंट सुधार लीजिएगा बुक का, आई। देन आई के बाद क्या आना चाहिए के, तो बिल्कुल सही दिया है अगला के। अब हमको अगले ढूंढने क्या आएंगे, ठीक है, तो मैं अगले ढूंढता हूँ। के बाद अल्टरनेट में क्या दिया है एम, तो फर्स्ट होगा एम, और एम के बाद अल्टरनेट पे क्या है ओ, तो एक लेटर मिल गया ओ। नाउ मुझे नंबर्स देखना है, यहाँ पे नंबर्स देखिए 31, 32, 33, 34 कंटिन्यू में नंबर्स चल रहे हैं, 35, 36, तो अगला आएगा क्या 37, क्या आएगा 37 एंड 38। बस यही मेरे आंसर्स हैं, है ना, ईजी है ना। चलिए आगे चलते हैं। नौ डब्ल्यू वी, सबसे पहले आप क्या देखेंगे अल्फ़ाबेट, तो डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है वी, वी के बाद क्या आ रहा है यू, यू के बाद क्या आ रहा है टी, टी के बाद आ रहा है एस, तो एस के बाद क्या आना चाहिए आर, क्या आना चाहिए आर, तो कंटिन्यू में चल रहा है इसलिए बैक साइड में। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा है 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5। अब आर आया है, आपको चार लेटर लिखने, मैंने एक ही लिखा, आर के बाद क्या आएगा क्यू, देन पी, एंड लास्ट लेटर मैं नीचे लिख लेता हूँ क्या आएगा ओ। नाउ आपको ये नंबर्स देखने हैं 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, देन 0, 6, अगला क्या आना चाहिए 0, 6, देन 0, 7, देन 0, 8, एंड देन लास्ट वन इज 0, 9, तो इस तरीके से आएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखिएगा पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या आता है बताइए, पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या आएगा टी, देन क्या आएगा यू, देन वी, एंड द लास्ट वन इज डब्ल्यू, क्या आएगा डब्ल्यू। तो पी क्यू आर एस टी U B W, ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा नंबर्स को, अब 212, 213, 214, 215, तो अगला क्या होना चाहिए 216, 217, 218 एंड 219। आप नंबर्स देखिए 21, 21 सब में सेम है, आप चाहें तो एक लॉजिक और लगा सकते हैं जो मैंने आपको समझाया था, क्या हो रहा है सब में प्लस वन हो रहा है, लास्ट वाले नंबर में 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो ऐसे ही 6, 7,
एट नाइन और बाकी 21 सेम रहेगा। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो इस तरीके से हमने जे अल्फा न्यूमेरिक सीज भी समझ ली है। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। एज सच कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। जेड वाई एक्स देन बॉक्स, तो जेड वाई एक्स क्या हो रहा है, एक एक का पीछे तरफ डिफरेंस जा रहा है, पीछे तरफ जा रही है। तो एक्स के बाद क्या आना चाहिए, डब्लू। तो फर्स्ट बॉक्स मिल गया मुझे डब्लू। डब्लू के बाद क्या दिया, वी, बिल्कुल सही दिया। वी के बाद क्या आना चाहिए, यू। अगला क्या आना चाहिए, यू। यू के बाद क्या दिया होगा, टी, बिल्कुल सही दिया। टी के बाद एस, तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक, देन यहाँ पे लिखा है 1918-17, क्या लिखा है, कलर चेंज कर लेते हैं। 1918-17, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक माइनस वन हो रहा सबसे, तो यहाँ होगा 16 माइनस वन 15 एंड 15 माइनस वन 18। तो इस तरीके से आंसर आएंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। आंसर होगा W 16 एंड U 14। देन ए बी, अब पहले अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, कंटिन्यू में चल रही है ए बी सी डी ई एफ। तो अगला क्या होना चाहिए, जी एच, क्या होना चाहिए, जी एच। देन आई जे के एल, तो अगला क्या होगा, एम एन, क्या होगा, एम एन। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। देन अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 9 में माइनस वन गया 8, 8 में माइनस वन गया 7, 7 में माइनस वन गया 6, देन माइनस वन 5, माइनस वन 4, देन 4 में माइनस वन गया तो 3। तो इस तरीके से क्या होगा, जी एच 6 एंड एम एन 3। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो जी एच 6 एम एन 3 राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ जे एल एन, अब जे कहाँ है, जे अल्टरनेट पे, फिर एल है, पहले अल्फ़ाबेट देख रहा हूँ, फिर अल्टरनेट पे एन है। तो जब अल्टरनेट चल रही तो अगली भी अल्टरनेट होगी, तो एन के अल्टरनेट पे क्या आएगा, पी। अब देख लेते हैं आगे सही लॉजिक है, पी के अल्टरनेट पे आर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आर के अल्टरनेट पे क्या है, आर के अल्टरनेट पे टी होना चाहिए। देखिए यहाँ मिसप्रिंट है, क्या होना चाहिए, टी। एंड टी के अल्टरनेट पे क्या दिया है, वी, बिल्कुल सही दिया है। और वी के अल्टरनेट पे क्या होगा, एक्स। तो लास्ट वाला क्या होगा, एक्स। इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो हमने अल्फ़ाबेट्स निकाल लिए, देन हमें नंबर्स देखना। देखिए नंबर्स तो सब सेम ही चल रहे हैं, 99 माइनस वन, तो 77 माइनस वन क्या मिलेगा हमें, 76। सॉरी, नंबर सेम नहीं चल रहे हैं, नंबर क्या हो रहा है कि 11 की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, 11 की सीरीज चल रही है। तो 11 नंबर 99, आप ऐसे सोच सकते हो कि 9 में से एक गया तो 8 आया, 9 में से एक गया 8, सब में दोनों नंबर्स में क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा। तो यहाँ भी अगर माइनस वन माइनस वन होगा तो क्या आएगा, 66। एंड देन यहाँ माइनस वन होगा तो क्या आएगा, 22। क्या आएगा, वी के बाद अल्टरनेट पे एक्स। एंड देन 33 में दोनों अंकों से माइनस वन करोगे तो क्या मिलेगा, 22। तो पी 66 एंड एक्स 22। सो गाइस, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट मी टेक टू द बैक। ओके, तो इस तरीके से हमने आज आपकी सीरीज को कंप्लीट किया है। टास्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसको नोटबुक में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, देन उसको लिखना है। अगर आपको कोई डाउट आती है, कहीं भी कोई छोटी सी भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई टास्कशीट के साथ, डेट इज क्लासिफिकेशन के साथ मिलेंगे। नया टॉपिक आपका अब होगा क्लासिफिकेशन। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।